आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आप बहुत से लोग को देखते होंगे कि लोग उंगलियां तोड़ते रहते हैं, यू तोड़ देंगे, यू तोड़ देंगे, कभी यू करेंगे, कभी यू करेंगे, कभी यू करेंगे, कभी पाँव की उंगलियां तोड़ेंगे। तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, उसके नुकसान हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी हाथ पैर की उंगलियाँ चटकाते रहते हैं। उंगली चटकाने की आदत कभी कभार कुछ लोगों को इस कदर लग जाता है कि थोड़े थोड़े समय बाद अपनी उंगलियां चटकाते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उंगली चटकाने की आदत आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लोगों को अपने हाथ पैर की उंगलियां चटकाकर थोड़े दिन के लिए आराम तो मिल जाता है, थोड़े समय के लिए आराम मिल जाता है, लेकिन ये आदत एक गंभीर बीमारी को निमंत्रण देता है। डॉक्टरों के मुताबिक उंगलियां चटकाने से गठिया रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आपकी आदत कई और बीमारियों को भी दावत देता है। अगर आप उंगलियां चटकाते हैं तो उस समय उंगलियों पर पड़ने वाले दबाव के कारण, जोड़ों में खिंचाव पड़ने के कारण ये दूर खींचते जाते हैं। शरीर की हड्डियां लिगामेंट से जुड़ी होती है, जिसे जोड़ कहते हैं। इन जोड़ों के बीच एक द्रव कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो ग्रीस की तरह होता है। आपकी इस आदत से जो द्रव है, जो लिक्विड है, वो खत्म होता है। जोड़ों में दबाव कम होने पर कार्बन डाइऑक्साइड खाली स्थान को भरने का काम करती है, जिससे इस द्रव में बुलबुले बन जाते हैं। इस कारण उंगलियां चटकते समय आवाज़ आती है। एक बार इन बुलबुलों के फूटने के बाद इन्हें बनने में 15 से 30 मिनट लगते हैं। इसी कारण दोबारा उंगलियां चटकाने के बाद आवाज़ नहीं आती है। बार बार ऐसा करने से जो जोड़ हैं हमारे, वो कमज़ोर होते जाते हैं और जो द्रव में गैस है वो घुल नहीं पाती है, जो कि गठिया रोग उत्पन्न करता है। तो इसलिए अगर आपको उंगलियां चटकाने की आदत है तो आप आज ही से उसे छोड़ दीजिए। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।